चलिए जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वास्तविक संख्या, क्लास टेंथ की वास्तविक संख्या का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि हमने पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो महत्व क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई अभाज्य संख्या रहेगा तो अभाज्य संख्या का महत्व हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि √12 का परिमेयकारी गुणांक है। तो मतलब जो है √12 का परिमेयकारी गुणांक कहने का मतलब हो गया कि √12 जो है इसमें ऐसी क्या गुणा करे कि ये जो है परिमेय संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम जब इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे √12 है इसको अगर हम इसका तोड़े अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 बराबर ये क्या होगा, 2√3। मतलब ये जो है 2 का पेयर हो रहा था ये बाहर निकल गया, मतलब जो है अब रूट के अंदर क्या बच गया, सिर्फ रूट, मतलब जो रूट के अंदर √3 बच गया ना। तो अगर इसको जो है √3 को परिमेय होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें √3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें √3 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा, ये 3√3 बराबर 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 तब एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है इसमें क्या गुना करना पड़ेगा, √3। तो ये इसका परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा, √3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब जो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत होगा। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपली करना क्या है कि इसके हर में जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका जो है फैक्टर निकालना, गुणनखंड। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, गुणनखंड में सिर्फ 2 का मल्टीप्लिकेशन या फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन या फिर 2 और 5 रहेगा, इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वो अशांत होगा। और ये सिर्फ 2 या 5 रहे या फिर 2 और 5 दोनों मिल के रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा। तो जब इसमें निकालिएगा तो देखिए ये जो है 16 का जो है अगर निकालिएगा 1600 का तो क्या होगा, ये इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन में 2 और क्या आएगा 5 का गुणनखंड आएगा, तो ये हो जाएगा शांत। जैसे इसका निकालते हैं बी नंबर में, तो जैसे 21 है, मान लीजिए 21 है तो 7 या 21, उसके बाद ये 100 होता है, मतलब 2100 होता है, तो ये 7 या 21 गुना ये जो है 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसमें 3 आ रहा है तो ये क्या होगा, और शांत हो जाएगा। ये 88 में भी अगर करेंगे तो कितना होता है, अगर 88 मतलब 11 आएगा अभाज्य संख्या तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, शांत नहीं होगा। उसके बाद 75 में 15 क्या होता है, 15 × 25 = 75 होता है, तो ये भी क्या होगा, इसमें भी 15 है तो 15 में क्या होगा, 3 और 5 है तो 3 आएगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तो ये भी अशांत हो गया, ये भी अशांत तो क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक, इसका जो है गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड में 2 और 5 ही रहेगा या फिर 2 रहे सिर्फ या फिर कह रहे सिर्फ 5 रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा, अन्यथा वो इसके अलावा कुछ भी रहता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, मतलब परिमेय संख्या को ढूंढना है इनमें से। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट में रहता है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जब कब, जब जो है वो रूट से बाहर नहीं निकल पाए तो ठीक। तो जैसे सबको देखेंगे अगर रूट, ये जैसे √25 है, √25 को अगर रूट से बाहर निकालना चाहे, देखिए √25 है तो इसको हम बाहर निकालना चाहते ये क्या होगा, 5 × 5 होगा, मतलब जो अलग रहता है ये बाहर निकल जाएगा ना, तो ये बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद जैसे √5 है तो ये ऐसे ही रह जाएगा तो ये अपरिमेय हो गया। ठीक, उसके बाद 1/√2 ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। और 3√3 + √3 ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कौन हो गया, √25 परिमेय संख्या हो गया। ठीक, रूट से बाहर निकालने के बाद जो स्वतंत्र हो जाए रूट से तो वो क्या होता है, परिमेय होता है। जो रूट से स्वतंत्र नहीं है वो अपरिमेय होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया क्या कि 2 लगातार संख्याओं का महत्व है, मतलब 2 लगातार संख्या कोई भी लगातार संख्या, लगातार संख्या कहने का मतलब हो गया जैसे आप 4 लिए तो 4 के बाद क्या होगा, 5, ये 2 लगातार संख्या होगा, या फिर अगर 10 लिए तो 10 के बाद क्या होगा, 11, ये 2 लगातार संख्या हो गया। ठीक, तो इनका अगर महत्व निकालेंगे देखिए तो हमेशा क्या आता है, देखिए जैसे 4 और 5 लिए तो 4 को 5 से 4 जो 4 से जो 5 को भगा देंगे कितना बार, 1 बार लगेगा 4 का 4, उसके बाद ये 1 बच जाएगा, फिर 1 से ये जो है 4 राशि से, तो 4 यहाँ भाग लेगा, 1 × 4 मतलब कितना से कटा अंतिम में, 1 से कटाना। तो लगातार संख्याओं का महत्व हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कोई भी लगातार संख्या उठा लीजिए, जैसे हम 10 और 11 लिखे हैं तो 10 से क्या करेंगे, 11 में भाग देंगे, 1 मतलब लगेगा,
दस से कम दस एक आया यहाँ पे, एक से फिर दस में भाग दें, एक से एक कटेगा उसका जीरो आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होगा, अंतिम में जिससे कटा वो मौसा होता है, तो अंतिम में एक से कटा तो मौसा क्या होगा, एक। तो हमेशा याद रखिए, जब भी दो लगातार संख्या दिया होगा तो उसका मौसा क्या होगा, हमेशा एक होगा। और ये पाँचों सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके दसवीं के बोर्ड के लिए, तो इसको जो है अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।